नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अवंतिका और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज़। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के निगुलसरी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में करीब 16 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों द्वारा राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। आपको बता दें कि 11 अगस्त की दोपहर को शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे 5 पर ज्यूरी और निगुलसरी के बीच भयानक लैंडस्लाइड हुई, जिस वजह से जहां एक ओर वहां से गुजर रही गाड़ियां चट्टानों के मलबे के नीचे बुरी तरह दब गई, तो वहीं दूसरी ओर एक बड़े पत्थर की टक्कर से एक बस धीरे धीरे लुढ़कते हुए खाई में जा गिरी। बचाए गए लोगों ने बताया कि उस सड़क पर कुछ राहगीरों के बीच बहसबाजी हो रही थी, जिस वजह से वहां गाड़ियों की लाइन लग गई थी। उस वक्त कुछ छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे, जिन्हें उन बहस कर रहे राहगीरों ने नजरअंदाज किया। तभी अचानक से चट्टान भरभराकर गिर गई। लोगों का कहना है कि अगर गाड़ियों को समय पर निकलने दिया जाता तो इतना बड़ा हादसा होने से टल सकता था और लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। वहीं अब राज्य सरकार द्वारा हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है, और साथ ही परिवहन विभाग इस हादसे में जान गंवाने वाले बस यात्रियों को 1 लाख रुपए देगा। हमारी आज की इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।